दुनिया भर के सोशल मीडिया यूजर्स को 19 मार्च को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में आ रही समस्या के कारण काफी परेशान होना पड़ा। बता दें कि भारत में इन तीनों पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में गड़बड़ी बीती रात 10:40 से शुरू हुई। वहीं यूजर्स ने शिकायत की कि वे मैसेज सेंड और रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि उन्हें व्हाट्सएप वेब में लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है। व्हाट्सएप यूजर्स इस इशू के कारण 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक मैसेज सेंड और रिसीव नहीं कर पाए। इधर व्हाट्सएप ने कहा कि उसकी सर्विसेज केवल 49 मिनट के लिए डाउन हुई थी। दुनिया भर में सर्विस डाउन होने की असल वजह के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी तो नहीं दी, लेकिन ये जरूर बताया कि इसके पीछे कोई टेक्निकल इश्यू है। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि 19 मार्च को तकनीकी गड़बड़ी के कारण यूजर्स को फेसबुक की कुछ सर्विसेज को एक्सेस करने में समस्या आ रही थी। हमने इस समस्या को सभी के लिए ठीक कर दिया है और इस असुविधा के लिए हमें खेद है। व्हाट्सएप के अलावा कई यूजर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने में भी परेशानी आ रही थी। डाउन डिटेक्टर के अनुसार 28,500 से ज्यादा यूजर्स ने इंस्टाग्राम में आ रही समस्या की शिकायत की। वहीं 34,127 यूजर्स से ज्यादा यूजर्स के व्हाट्सएप में समस्या थी। बताते चले कि 49% व्हाट्सएप यूजर्स को कनेक्शन से जुड़ी दिक्कतें आ रही थी। वहीं 48% यूजर्स व्हाट्सएप मैसेज सेंड और रिसीव नहीं कर पा रहे थे और 2% यूजर्स को लॉगिन करने में दिक्कत आ रही थी। डाउन डिटेक्टर के अनुसार 57% फेसबुक यूजर्स ने टोटल ब्लैकआउट की शिकायत की। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।